आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मेस्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फिफ्थ में टॉपिक एलिफैटिक अमीन्स एलिफैटिक अमीन्स में भी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिफैटिक अमीन्स होते क्या हैं इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी एंड इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले अगर आपको नोट्स जो भी पढ़ाया जा रहा है और जो भी आगे पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स अगर आपको पी फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारे नोट्स पी फॉर्म में मिल जाएंगे नाउ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सो एलिपैटिक अमीन्स होते क्या हैं तो एलिपैटिक अमीन्स जो हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अमोनिया के उन्हें रिप्लेस किया जाता है एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो वो जो है एलिपैटिक अमीन बन जाते हैं जैसे कि अमोनिया एन एच थ्री होता है तो उसमें से जब हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करके उसके जगह एल्काइल ग्रुप को लगाया जाता है तो उससे हम एलिफैटिक अमीन कहते हैं नौ क्लासिफिकेशन क्या होगा एलिफैटिक अमीन्स का तो ये तीन टाइप्स के होते हैं प्राइमरी एलिफैटिक अमीन सेकेंडरी एलिपैटिक अमीन एंड टर्शरी एलिपैटिक अमीन अब जो प्राइमरी एलिपैटिक अमीन होते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एल्काइल ग्रुप से सो ये होते हैं प्राइमरी एलिपैथिक अमीन देन सेकेंडरी अमीन में क्या होता है कि जो एक और हाइड्रोजन एटम होता है सॉरी दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अमी अमोनिया के वो रिप्लेस हो जाते हैं एल्काइल ग्रुप से तो वो सेकेंडरी एलिपैथिक अमीन बन जाता है देन टर्शरी में क्या होता है कि तीनों हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अमोनिया के वो एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं तो ये जो है टर्शरी एलिपैथिक अमीन होता है ना हो मैथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे एलिपैथिक अमीन्स के तो एलिपैथिक अमीनस को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं हम यहाँ पर जो है छः मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन एलिफेटिक अमीन्स के डिस्कस करने वाले हैं सो so, सबसे पहला जो मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन है वो है बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड विद अमोनिया मतलब एल्काइल हेलाइड को अमोनिया के साथ में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो इससे हमारे पास में एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है सो so, इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि एलकाइल हेलाइड सी जो है वो अमोनिया एन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो इससे एलिफेटिक अमीन सी बन रहा है प्लस एच जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट मैथड ऑफ़ प्रिपरेशन आती है बाई रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अमोनिया सो जब एल्कोहल को अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ए एल टू ओ थ्री तो इससे एलिपैटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है सो so, इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच जो है ये अमोनिया एन एच थ्री के साथ में रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ए एल टू ओ थ्री तो इससे एलिपैटिक अमीन सी टू एच फाइव एन एच टू प्लस एच टू ओ का फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन आती है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स तो जब नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं मतलब जिनमें एनओ टू प्रेजेंट है उसके तो साथ में दूसरे ग्रुप्स अटैच हैं तो जब नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स या फिर कैटलिस्ट तो उससे जो है एलिपैथिक अमीन्स का फॉर्मेशन होता है तो जब नाइट्रो कंपाउंड सी टू एच फाइव एन ओ टू इसका रिडक्शन किया सिक्स हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एंड साथ में टिन एंड एच सी एल एस एन एंड एच सी एल की प्रेजेंस में तो इससे एलिफेटिक अमीन सी टू एच फाइव एन एच टू का फॉर्मेशन हुआ प्लस टू एच टू जो है ये बन गया नेक्स्ट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन आती है बाय रिडक्शन ऑफ एलकाइल साइनाइड एल्काइल साइनाइड मतलब एलकाइल uh, ग्रुप है एंड साथ में उससे सी एन फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है तो जब इसका रिडक्शन करते हैं तो इससे भी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है सो एलकाइल साइनाइड सी एच थ्री सी एन जो है इसका रिडक्शन कर रहे हैं मतलब प्लस इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल आई ए एल एच फोर तो इससे एलिफैटिक अमीन सी एच थ्री सी एच टू एनएच टू जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड अमाइड मतलब सी ओ एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जब हम इनका रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट तो उससे जो है एलिफैटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है सो so, यहाँ पर अमाइड है सी एच थ्री सी ओ एन एच टू इसका हम रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ एल आई ए एल एच फोर एंड ईथर तो इससे जो है एलिफैटिक अमीन सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू का फॉर्मेशन होता है प्लस में एच टू ओ जो है इसका फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है फ्रॉम ग्रिगनाड रिएजेंट तो ग्रिगनाड रिएजेंट जो है उसे क्लोरअमीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो इससे भी एलिफैटिक अमीन जो है उसका फॉर्मेशन होता है तो ग्रिगनाड रिएजेंट आर एम जी सी एल को क्लोर अमीन सी एल एन एच टू के साथ में रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो इससे एलिफैटिक अमीन आर एन एच टू प्लस एम जी सी एल टू जो है इसका फॉर्मेशन होगा सो ये हो गई सारी मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन एलिफैटिक अमीन्स की हम किस तरीके से एलिफैटिक अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट so, हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिपैटिक अमीन सो हम पाँच केमिकल रिएक्शंस एलिपैथिक अमीन की डिस्कस करने वाले हैं कि एलिपैटिक अमीन जो है वो किस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है तो ये जो है ये हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है एलिपैटिक अमीन की वो है सॉल्ट फॉर्मेशन तो एलिपैटिक अमीन जो है ये एक बेसिक कंपाउंड है तो जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं सो so, एक एलिपैटिक अमीन सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू जो है कि एसिड एच सी एल के साथ में रिएक्ट करेगा तो इससे सॉल्ट सी एच थ्री सी एच टू एन एच थ्री सी एल का फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड तो जब एलिपैटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो उससे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है प्लस नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि एलिपैटिक अमीन आर एन एच टू जो है वो नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू के साथ में रिएक्ट कर रहा है इससे एल्कोहल आर ओ OH, एच प्लस एन टू प्लस एच टू ओ जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है कार्बिल अमीन रिएक्शन सो तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है कि एलिपैटिक अमीन जो है वो सी एच सी एल थ्री के साथ में एंड के ओ एच के साथ में रिएक्ट करता है इसे हीट किया जाता है तो इससे जो है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है सो so, यहाँ पर एलिपैटिक अमीन सी टू एच फाइव एन एच टू जो है वो सी एच सी एल थ्री के साथ रिएक्ट करिए प्लस के एच के साथ में रिएक्ट करिए इन्हें हीट किया गया तो इससे सी टू एच फाइव एन सी प्लस थ्री के सी एल प्लस थ्री एच टू जो है इसका फॉर्मेशन हो गया नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एल्काइल हेलाइड सो जब एल्काइल हेलाइड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है एलिपैटिक अमीन को तो इससे जो है प्राइमरी प्राइमरी एलिपैटिक अमीन से टर्शरी एलिपैटिक अमीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से है आर एन एच टू जो है वो आर डैश एक्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो इससे आर आर डैश एन एच जो है इसका फॉर्मेशन हो गया देन इन प्रेजेंस ऑफ आर डबल डैश एक्स मतलब फिर से इसे एल्काइल एलाइट के साथ में हम रिएक्ट करते हैं तो इससे जो है फाइनली टर्शरी एलिपैटिक अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद ग्रिगनाड रिएजेंट सो जब हम एलिफैटिक अमीन को ग्रिगनाड रिएट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे कुछ अलग ही एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है सो so, एलिपैटिकमीन आर एन एच टू जो है वो ग्रिगनाड रिएश तो एच जो है इसका फॉर्मेशन होता है सो so, ये हो गई सारी केमिकल रिएक्शंस एलिपैटिक अमीन्स की सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स पी फॉर्म में चाहिए तो सो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए